Good afternoon students, welcome to online class. I am Sima Miss from Vatsalabhai Manmadi School of Scholars. Okay, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी EVS की क्लास. तो देखो, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने लास्ट क्लासेस में भी लेसन नंबर 14 की एक्सरसाइज देखी थी. तो एक्सरसाइज में हमने ए एंड बी की क्वेश्चन जो थे वो फिल किए थे. तो आज की क्लास में हम देखते हैं सी सेशन के क्वेश्चन. तो सी में कौन से क्वेश्चन है देखो, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्या करना है हमें कि नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो उनके हमें क्या करना है, आंसर्स लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे अपने पास कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हैं तो उनके अभी हम आंसर यहाँ पे लिखेंगे. ओके, तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो अभी अच्छे से क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के हमें समझना है और उसके बाद ही उसका आंसर लिखना है. ओके, तो देखो अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन. देखो अभी सब लोग ध्यान दो. देखो, name any two different types of weather. आपको पता है कि मतलब वेदर कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं वेदर, क्लाउडी, रेनी, सनी, पता है ना आपको. तो उनमें से कोई भी टू टाइप के वेदर के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं. तो मैंने कौन से लिखा, क्लाउडी एंड रेनी. ओके, आप कोई भी लिख सकते हो आपकी आपकी मर्जी से. उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है अपना, What kind of cloth do you wear in winter? देखो ना, winter में आप कौन से cloths पहनते हो? कौन से cloths पहनते हैं आप winter में? Winter में हम पहनते हैं woolen cloth. ये तो आपको पता है मैंने कि क्यों पहनते हैं woolen cloth? क्योंकि winter में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए हम woolen cloth पहनते हैं. क्यों? क्योंकि woolen cloth से हमें ठंड नहीं लगती इसलिए. ओके? तो इसका आंसर क्या लिखा है हमने, देखो वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर. समझ में आया आपको? ओके, उसके बाद अपने पास है लास्ट वाला क्वेश्चन. तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट डू यू यूज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द रेन. समझ में आया क्या आपको क्वेश्चन, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें रेन से प्रोटेक्ट करती है. देखो ना, जब हम बारिश में बाहर जाते हैं तो हम क्या लेके जाते हैं, समझ में आया आपको? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हम क्या लेके जाते हैं, जब भी हमें रेनी सीजन में कहीं भी बाहर जाना हो तो हम अपने पास अम्ब्रेला या फिर क्या लेके जाते हैं, रेनकोट्स लेके जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो दो चीजें हैं वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, रेन से प्रोटेक्ट करती है. ओके, तो इसका आंसर हमने क्या लिखा, देखो वी यूज रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द रेन. समझ में आया आपको? तो जैसे मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन एंड आंसर्स लिख के दिए हैं, वैसे ही सेम आपको अपनी टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक में लिखना है, लेकिन उससे पहले अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है. ओके, तो देखो अभी यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक में आपके पास कुछ एक्टिविटीज भी है, एक्टिविटी है, तो देखेंगे अभी हम कि अपने पास एक्टिविटीज कौन सी है. देखो, कलर द पिक्चर्स एंड नेम द सीजन. तो यहाँ पे आपके पास टू पिक्चर्स दिए हैं, दिखे आपको? तो ये जो टू पिक्चर्स हैं, इन दोनों पिक्चर्स को आपको पहले तो अच्छे से कलर करना है. ओके, उसके बाद आपको लिखना है कि इन पिक्चर्स में आपको कौन सा सीजन दिखाया गया है. समझ में आएगा आपको? तो उन सीजन का नेम लिखना है नीचे. उसके बाद सेकंड वाली एक्टिविटी क्या है, विच इज योर फेवरेट सीजन, टेल द क्लास हाउ यू लाइक दिस सीजन. तो देखो आपको बताना है अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि अभी क्लास तो है नहीं, क्योंकि अभी तो अपना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है ना, तो इसलिए आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है कि आपको कौन सा सीजन पसंद है और क्यों पसंद है. ओके, तो ये जो टू एक्टिविटीज है वो आपको कंप्लीट करनी है. वैसे तो ये एक्टिविटी आपको ही कंप्लीट करनी है, लेकिन मैंने एक्टिविटी के जो दो पिक्चर्स हैं उनके नेम्स आपको लिख के दिए. तो पहले वाला जो पिक्चर है वो कौन से सीजन का है, रेनी सीजन का, एंड सेकंड वाला जो पिक्चर है वो कौन से सीजन का है, विंटर सीजन का. कैसे समझ में आया, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बॉय है जो खेल रहा है इसमें पानी में और ऊपर से भी बारिश हो रही है. ओके, एंड सेकंड वाले पिक्चर में एक बॉय है, एक गर्ल है, और वो कौन से क्लॉथ्स पहन के है,
कूलर क्लॉथ्स पेन के है, इसलिए हमने उन पिक्चर्स को देख के हमें समझ में आया कि कौन सा पिक्चर कौन से सीजन का है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी होमवर्क आप अच्छे से कंप्लीट करो, और जब आपका ये होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में अपने